अब हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है, या अपन उसको बोल सकते हैं कि एक सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, या अपन उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ट्रस्ट है जो सरफाइजी एक्ट के अंडर में क्रिएट होता है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल हो सकती है, या सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी हो सकती है, या सरफाइजी एक्ट के तहत कोई सा ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। अगर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है तो इसको आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी है उसे सेबी के तहत जो भी रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और फिर बात आती है अगर ये ट्रस्ट है सरफाइजी एक्ट के अंदर में, तो उसको सरफाइजी एक्ट के कुछ प्रोविजंस एंड आरबीआई के डायरेक्टिव्स गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये क्या करते हैं कि इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, एक पूल क्रिएट करते हैं, देन इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देन उसकी उससे जो ये इनकम डिराइव करती है ट्रस्ट, ये इनकम ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट होती है। जो इनकम डिराइव होती है बेसिकली ये तो इन्वेस्टर की इनकम है, एंड ट्रस्ट इनके ट्रस्ट तो एक्चुअली में इनके जो पैसे हैं इनके पैसे को चैनलाइज कर रहा है। तो ये जो है ट्रस्ट को तो इनकम 1023DA में एग्जेम्प्ट होती है। अब ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट है तो बकायदा फिर इन्वेस्टर को तो टैक्सेबल होगी ही। तो वो क्या करते हैं कि इनकम जो भी रिसीव करते हैं फिर इन्वेस्टर को बांटते हैं। तो जब वो इन्वेस्टर को बांटते हैं तो ट्रस्ट को TDS काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194LBC में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि देखना पड़ेगा कि क्या इन्वेस्टर इंडिविजुअल है, HUF है, तो 25% रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF है तो 25% TDS कटेगा। अदर रेसिडेंट है तो अगर रेसिडेंट में अदर निकल रहे हैं तो 30%, एंड NRN फॉरेन कंपनी में जो रेट इन फोर्स है जो कि 40% है, तो इस तरीके से TDS कटेगा। अब बात यह आती है कि TDS के थ्रू टैक्स का डिडक्शन होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो सकता है कि इन्वेस्टर को इनकम एक्रू नहीं कराए, हो सकता है कि एक्रू कर दे तो पे नहीं करे। सी अगर एक्रू कर दिया है तो TDS तो काटना ही काटना है। पे जब करेंगे हो सकता है कि पे अगले साल करें, तो ऐसा नहीं कि अगले साल वापस TDS काटेंगे। एक बार अगर अक्रू करा, एक्रू करते थे आपको TDS काटने का है, पर हो सकता है कि आपने एक्रू नहीं करा, हो सकता है कि आपने उस टाइम पे भी नहीं करा, तो उस साल के लास्ट डे में वो मान लिया जाएगा कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने इन्वेस्टर को डीम्ड टू बी अप्रूव कर दिया है या डीम्ड टू बी क्रेडिट कर दिया है, तो ऐसा मान लिया जाएगा। अब ये डीम्ड क्रेडिट हो गया, डीम्ड टू बी अप्रूवल हो गया, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब भी इन्वेस्टर को जो भी इंटरेस्ट देगा, जो भी कंसिडरेशन देगा, बाकायदा इन्वेस्टर को बताया जाएगा कि ये जो कंसिडरेशन है उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है। मतलब हो सकता है कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इन्वेस्टर को एक से ज़्यादा टाइप्स की इनकम दे, तो जब भी वो इनकम से इन्वेस्टर को देगा तो वो इनकम का बाइफर्केशन बताएगा ट्रस्ट जो है इन्वेस्टर को, कि इंटरेस्ट का पोर्शन इसमें 15,000 है, डिविडेंड का पोर्शन 10,000 है, गेन का पोर्शन है, यील्ड का पोर्शन इतना है। तो इस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बाइफर्केट करते हुए इन्वेस्टर को बताएगा, और इसी तरीके से बाइफर्केशन उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी बतानी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ इनकम एंड प्रपोर्शन ऑफ इट्स इनकम, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बाकायदा ये भी बताना पड़ेगा कि किन किन इन्वेस्टर्स को कितना कितना पैसा जाता है। तो इस तरीके से टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ओवर होता है, जिसमें हमने बात करी थी 1023DA सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को लग जाएगा, और 194LBC में 25% 30% के हिसाब से TDS कटेगा। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट फंड की। इन्वेस्टमेंट फंड में भी ऐसा ही होता है कि एक फंड क्रिएट होता है। ये फंड जो है वो इन्वेस्टर, वो यूनिट होल्डर द्वारा क्रिएट करा जाता है। यूनिट होल्डर फंड में, फंड एक तरीके से गुल्लक होती है, तो अपन मान सकते हैं कि गुल्लक होती है। यूनिट होल्डर क्या करते हैं कि पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट क्या है, पैसा इसमें इकट्ठा करते हैं, एंड फंड से इधर चैनलाइज होता है, एंड वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आता है वो बाकायदा रिटर्न जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट फंड को एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 1023FBA में। तो जैसे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट रहता है 1023DA में, वैसे इसको 1023FBA में एग्जेम्प्ट रहता है। पर अगर बिजनेस इनकम हो तो बिजनेस इनकम टैक्सेबल रहता है। मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट फंड को इनकम एग्जम्प्ट है 1023FBA में, तो वो वाली इनकम यूनिट होल्डर को टैक्सेबल है। पर यूनिट होल्डर को
बिजनेस इनकम रहती है वो बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, मतलब इन्वेस्टमेंट फंड को उस बिजनेस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो फंड की बिजनेस वाली इनकम है वो बिजनेस इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा अगर कंपनी है, फर्म है तो, और ये अगर अदर है तो उस सिचुएशन में MMR लग जाएगा। तो देखेंगे, अगर ये बिजनेस इनकम, तो आपको बकायदा ये देखना पड़ेगा कि जो यूनिट होल्डर है अगर वो कंपनी है, फर्म है, तो 30% का टैक्स लग जाएगा बिजनेस इनकम पे, अगर अदर है तो MMR लग जाएगा। तो इसको देखते हुए टैक्सेशन होगा। और हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट फंड ने पूरे साल भर में ना तो इनकम एक्रू करी हो ना तो इनकम पे करी हो, तो उसमें मान लिया जाएगा कि उस साल के एंड में वो इनकम डीम्ड टू बी क्रेडिट है। अब हमें समझना पड़ेगा कि फंड बहुत सारे तरीके के होते हैं। फंड में अगर लॉस है तो वो लॉस यूनिट होल्डर को ट्रांसफर नहीं होगा, सारा प्रॉफिट यूनिट होल्डर को ट्रांसफर होगा, लॉस फंड खुद बियर करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमें समझना पड़ेगा कि जैसे फंड है, फंड को बिजनेस इनकम हुई हुई है एंड फंड को कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस की भी इनकम हुई है, तो बिजनेस इनकम तो फंड को टैक्सेबल रहेगी एंड जो कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस की इनकम है वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब अगर बिजनेस इनकम में लॉस है तो वो लॉस है जो वो यूनिट होल्डर को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फंड ये चेक करेगा कि मेरे पास जो भी लॉस है क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ मेरी IFOs की इनकम से या कैपिटल गेन की इनकम से। अगर मैं कर सकता हूँ तो अच्छी बात है, कर लिया जाएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन में फंड वो वाली जो है लॉस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करे, वो लॉस है वो ट्रांसफर नहीं करेगा यूनिट होल्डर को एंड वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो फंड के बैलेंसेस में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट फंड का भी ओवर होता है टैक्सेशन। अब हमें समझना पड़ेगा कि जैसे यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका प्रूफ क्या रहता है कि मैंने इतने इन्वेस्ट करा है। तो उसका प्रूफ ये रहता है कि यूनिट होल्डर को बदले में यूनिट्स मिलते हैं, एंड जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में उसमें भी बदले में यूनिट्स मिलते हैं या बदले में कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो इस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि इन्होंने इन्वेस्ट करा है, एंड जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का तो वो इन्हीं यूनिट्स और इन्हीं सर्टिफिकेट्स के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम की। एंड इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही है कि जो अगर इन्वेस्टमेंट फंड को कोई सी इनकम एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड को इनकम जो एग्जेम्प्ट है 1023 FBA में, तो वो यूनिट होल्डर को टैक्सेबल होगी। तो टैक्सेबल ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट फंड है वो TDS काट लेगा 10% का। जैसे हमने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पढ़ा था कि जो TDS है 25% या 30% कटता है, तो इधर वो जो केस है उसमें ऐसा है कि इसमें 10% TDS कटता है। और PGBP की इनकम है तो कोई TDS ही नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट होल्डर को तो वो इनकम एग्जेम्प्ट है, फंड को उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। और वही बात आती है 30% है और MMR के हिसाब से। तो बिजनेस इनकम जितनी कंपनी या फर्म को अलॉकेट होगी उस पर 30%, और बिजनेस इनकम जितनी अदर्स को अलॉकेट होगी उस पर MMR लगेगा। और इस तरीके से अब इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्सेशन ओवर होता है।